हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको क्रोचेट योक बनाना सिखाऊंगी कि आप किसी भी साइज़ का किस तरीके से नाप लेके आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये वीडियो जो मैं बता रही हूँ, वैसे तो मैंने इसका योग बनाए हुए हैं, एडल्ट साइज़ के लिए भी डिटेल में बताया हुआ है और बच्चों के लिए भी मैंने बताया हुआ है। 0 to 24 मंथ का बनाया हुआ अलग से वीडियो, कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है और 3 to adult साइज़ के लिए बताया हुआ है। लेकिन उसमें जो मैंने नाप बताया है वो मैंने बनाया है 3.50 mm के हुक साइज़ से और क्रोशिया मैंने फोर प्लाई ली है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी के पास सेम क्रोशिया नहीं होता, सेम यार्न नहीं होती, तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और अगर वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कितनी चैन लूँ और मैं उनको बताऊँगी तो उनका साइज़ सही नहीं आएगा। तो इसलिए आज मैं ये जो बताऊँगी, ये मैं आप इसमें आप कोई सा भी हुक साइज़ ले सकते हैं, कोई सा भी यार्न ले सकते हैं और किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे। तो आप ज़रूर एक बार कर लीजिएगा, जिससे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे वहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ भेज के मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकें। तो मैं अगर आपको बता सकती हूँ तो मैं आपकी फ़ोटो देखूँगी कि भाई आपने क्या गलती की है, तो मैं वहाँ पर आपको अच्छे से बता पाऊँगी कि आपने क्या गलती की है और आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो मैं योग बता रही हूँ उसके लिए आपको नाप किस तरीके से लेना है ये मैं बताऊँगी, और हुक साइज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सी भी यार्न ले सकते हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बता रही हूँ कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मैं वीडियो बता दे तो फिर उनको प्रॉब्लम भी आती है कि उनके पास हुक नहीं है, यार्न नहीं है, सेम हुक नहीं है, सेम यार्न नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो आप नाप लेंगे इसके लिए आप चाहें तो कोई टी शर्ट ले सकते हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं कोई ड्रेस ले सकते हैं, खुद के लिए भी बना रहे हैं तो भी कोई ड्रेस ले सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ गले का नाप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने ये टी शर्ट ली और यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ नापेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 7 inches आ रहा है। ठीक है, तो मैं 7 inches की चैन बना लूँगी। अगर आपके पास मेजरमेंट टैब भी नहीं है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की चैन बना लीजिए। तो पहले मैं चैन बनाती हूँ। ठीक है, तो आपने हुक साइज़ कोई भी ले लीजिए, आपको 7 inch की चैन बनानी है। तो चैन बनाने के लिए देखिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। और चैन बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे 30 chains आ रही हैं आपको, और देखिए थोड़ा सा छोटा है तो मैं 32 बना लेती हूँ। अगर आपके पास मेज़रमेंट टेप है तो आप इस तरीके से टेप से नाप सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ये देखिए आपने टी शर्ट का गला नापा और इस तरीके से नापा। और ये तो मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास बच्चे का नाप है या बच्चा है, अगर नहीं है तो उसके लिए मैंने 2 videos बनाए हुए हैं एडल्ट साइज़ के लिए और छोटे बच्चों के लिए, तो उनके लिए तो सेम क्रोशिया आपके पास होना चाहिए और यार्न सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने 7 inches की बना ली है, तो ये हो गए 30 chains हो गए। ठीक है, तो 30 chains हमारी हो गई हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बैक है, तो जस्ट आधा इसका हम फ्रंट में लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी पर बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे 30 chains हो गई, तो हम योग बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा योक है। तो अगर फ्रंट में आप खुला रख रहे हैं तो आप इसको इस हिस्से को जो फ्रंट खुला हुआ है उसको फ्रंट में रख लीजिए, अगर आप बैक में खुला रख रहे हैं तो इस हिस्से को बैक में रख लीजिए, ये वाला बैक में आ जाएगा। अगर आप पूरा जोड़ के बना रहे हैं तो 30 हमारे यहाँ 30 हमारे यहाँ इस तरीके से होंगे। तो देखिए 30 हमारे यहाँ हैं, तो अगर आपका यहाँ पर ऑड नंबर आता है तो आप जैसे आपका
27 आया तो 1 प्लस कर लीजिए, तो ये इवन नंबर होना चाहिए जिसका आधा हम जस्ट कर सकें यहाँ पे, ठीक है। तो ये 13 है तो ये हमारा आगे से खुला हुआ है, तो 30 के जस्ट आधे हमारे हो गए 15 और यहाँ हो गए 15, ठीक है। और ये 15 जितने नंबर यहाँ पे हमने आधे किए हैं उसमें हम 5 प्लस कर देंगे, 15 प्लस 5 तो ये हो गए 20, 15 प्लस 5 तो हमारे यहाँ हो गए 20। तो आपके जो भी नंबर आते हैं क्रोशिए का और यार्न का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, तो आप स्टार्ट जिस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी क्रोशिया कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको ये बड़ा है मैं छोटा ही बताऊंगी आपको योग किस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे हम ट्वेंटी टू चैन लेंगे, यहाँ पे 11 11 और 11 प्लस 5 तो यहाँ हो गए हमारे 16 और यहाँ भी 16। तो मैं आपको छोटा योग बता रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी साइज़ बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपका परफेक्ट आएगा, और एडल्ट साइज़ हो छोटे बच्चे का साइज़ हो कोई भी साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 76 चैन बना ली हैं, तो आपने जब पूरी चैन्स बना ली हैं उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, टू चैन और बनाएंगे, 1 2, यहाँ से हम 1 2 3 छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाला होगा इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टिच उतने ही रहते हैं जितने हमने लिए हैं। तो ये हमारा जो चैन 3 है ये एक फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये सेकेंड डबल क्रोशिया। तो देखिए हम यहाँ पर लेंगे 11, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जितने हमारे एक फ्रंट में आ रहे हैं वो इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 11 बना लिए हमने, अब यहाँ पे मैं चैन 1 बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है चैन 2 भी बनाते हैं चैन 1 भी बनाते हैं, तो आपको जो सही लगे आप बना सकते हैं। तो मैं चैन 1 ही बना रही हूँ क्योंकि ये वाला जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है चैन 2 बनाने से। तो देखिए यहाँ पर हम अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट आर्म शोल्डर हो गया, ये वाला यहाँ से हिस्सा, ये देखिए जो हमने ये फर्स्ट चैन 1 के बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है तो ये हमारी ये वाला शोल्डर हो गया। तो यहाँ पे हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये हो गया फर्स्ट, टोटल 16 मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैन का स्पेस, ये हमारा 16 डबल क्रोशिया हो गया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी बैक है, इसमें हमें 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और यहाँ से हम टोटल 22 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए हमने ये बैक के 22 स्टिच बना लिए हैं, फिर से हम चैन 1 बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा सेकंड वाला कंधा है, तो यहाँ पे भी हमें 16 डबल क्रोशिया बनाना है, ये हमारा फर्स्ट है, मैं 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए, अभी जो चैन 1 के स्पेसेस हैं वो ठीक से दिख नहीं रहे हैं, सेकंड रो में ठीक से दिखने लगेंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे वापस से, अब यहाँ पे हमारे पास 11 स्टिच ही होने चाहिए जितने यहाँ पे हैं, अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके कम हैं तो आपको वापस से चैन्स बनानी पड़ेंगी। तो चैन्स आप हमेशा काउंट कर लीजिए और इस रो में ही आप काउंट कर लेंगे तो सही रहेगा, लेकिन अगर आपने ठीक से काउंट नहीं किया तो अब जब आप थोड़ा आगे जाके बना के जाएंगे तो आपका इसमें अंतर दिखने लगेगा दोनों हिस्सों में, आगे पीछे वाले हिस्सों में, फ्रंट के हिस्सों में, आर्म होल में। तो आप पहले ही काउंट कर लीजिए अच्छे से,
तो देखिए हमने चैन वन बना ली, अब ये नेक्स्ट 11 स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा सेकंड फ्रंट है, तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ लास्ट तक इसको बना लिया। अब क्या करना है, सेकंड रो किस तरीके से स्टार्ट करनी है, फिर हम जो सेकंड रो बनाएंगे उसी तरीके से हम आगे की रो भी बनाएंगे सेम। तो देखिए चैन वन बनाएंगे, तो चैन वन हमारा स्टिच नहीं है, इस तरफ पलटेंगे और देखिए जस्ट फर्स्ट वाले स्टिच में ही आपको ध्यान रखना है, यहीं पे हमें एक वन डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो वन डबल क्रोशिया है हमारा फर्स्ट स्टिच है, तो जब हम लास्ट में आएंगे तो ये चैन वन और वन डबल क्रोशिया है इसके बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा फ्रंट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, नहीं तो नॉर्मली ये आपको एक तो स्टिच नहीं दिखता लास्ट में जब आते हैं, तो लास्ट वाला स्टिच है वो दिखता नहीं है और ये फ्रंट भी स्ट्रेट नहीं आता, ठीक है। तो अब हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए जो चैन वन का स्पेस है वहाँ पे आ जाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा चैन वन का स्पेस है, तो ये देखिए हम बना के यहाँ से ये चैन वन के स्पेस के यहाँ आ गए हैं। देखिए ये चैन वन का स्पेस है, ये लास्ट वाले स्टिच तक हमने स्टिच बनाया है। अब तो जो चैन वन का स्पेस है यहाँ पे हम बनाएंगे वन डबल क्रोशिया चैन वन, और जस्ट यहीं पे हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट वाली रो में चैन वन का स्पेस दिया है तो आप यहाँ भी चैन वन का स्पेस दीजिए, अगर आपने टू चैन का स्पेस दिया है तो यहाँ पे टू चैन का स्पेस दे दीजिए, और यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट चैन वन का स्पेस है इसमें भी देखिए यहाँ तक स्टिच बनाएंगे, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर आपको जस्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हमें सेम रो ही बनानी है। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट रो सेकेंड रो है इसमें ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो स्टार्टिंग में चैन थ्री बनाई थी, ये देखिए ये वाली जो चैन थ्री हमने स्टार्टिंग में छोड़ी थी, इसके ये जो लास्ट वाला ऊपर वाला स्टिच है इस पर एक स्टिच हमें बनाना है। वैसे देखिए ये हमें स्टिच दिख भी नहीं रहा है, और जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादातर इसको छोड़ भी देते हैं तभी उनके कई बार प्रॉब्लम आती हैं, तो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ जिससे अगर आप बनाएंगे तो परफेक्ट हो पाएगा। और अगर आप देखिए बिगनर्स हैं तो आपको ये चैन वन की स्पेस शायद ठीक से नहीं दिखें, तो आप मार्क लगा लीजिए, जब आप स्टार्टिंग में बनाएंगे तभी आप मार्क लगा लीजिए। तो हर बार जैसे आपने इस रो में मार्क लगाया, फिर जब इस रो में बनाएंगे तो इसमें मार्क कर लीजिए, मार्कर आते हैं तो फिर इस रो में लगा लीजिए, तो इससे आपको चैन वन की स्पेस आराम से दिखाई देंगे और आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही लास्ट वाले स्टिच चैन में हमें वन डबल क्रोशिया बनाना है। तो जब जो बिगनर्स होते हैं वो हर बार जब हम चैन थ्री से स्टार्ट करते हैं तो वो चैन थ्री वाला स्टिच हमेशा छूट जाता है उनसे, और इसलिए उनके जो वो हैं स्ट्रेट नहीं आते, और ये हमारे जो ये स्ट्रेट नहीं आते इसी वजह से हमारा योग ठीक से बनता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आप चैन वन बनाइए और पलट जाइए और जस्ट इसमें ही फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाइए। तो जब आप वापस बना के जाएंगे यहाँ पे तो आपको ये स्टिच आराम से दिखेगा और आप इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाइए, ठीक है। तो इससे आपके ये स्ट्रेट रहेगा और आप स्टिच भी आपको आराम से दिखेगा, इससे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप भूलेंगे भी नहीं स्टिच बनाना। तो बस जैसे हमने ये रो बनाई थी, अब हमें यहाँ चैन थ्री नहीं, हम यहाँ से चैन वन और वन डबल क्रोशिया से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ आप जब यहाँ पे आप बना के जाएंगे तो देखिए ये जो लास्ट वाला स्टिच है चैन वन, इसको भी आप मार्क कर लीजिए चैन वन और वन डबल क्रोशिया के बीच वाले स्टिच में। देखिए यहाँ पे हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा ये जो फ्रंट है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। फिर जब हम वापस चैन वन और वन डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी हम इन दोनों के बीच में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो देखिए ये मैंने एक बना के रखा हुआ है तो आप इसको बना लीजिए, और फिर जब आप इस तरीके से बना रहे हैं तो आप गले का नाप ले लीजिए, गले में डाल लीजिए। तो आपको जितने आर्म होल चाहिए देखिए आप नापेंगे तो इस तरीके से आपको जब गले में डाल के नापेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चेस्ट जितनी चाहिए चाहिए आपको उतनी हो गई है कि नहीं है, आर्म होल जितने चाहिए उतने हो गए हैं कि नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप और रो बना लीजिए, और अगर हो गए हैं तो फिर देखिए मैं इसके बाद क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिए, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा आर्म होल हो गए लेकिन चेस्ट कम हो रही है, ये आपका योग जितना चाहिए उतना हो गया लेकिन चेस्ट कम हो रही है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम चैन टू फोर का स्पेस देख के भी हम यहाँ पे जो चेस्ट है इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया। अब चेस्ट किस तरीके से, अब हम आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे।
तो देखिए लास्ट वाले यहाँ देखिए, ये चैन वन और वन डबल क्रोशिया के बीच में मैंने वन डबल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए स्टार्ट करेंगे चैन वन, इस तरफ पलटेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक ही स्टिच बनाती हूँ। जब हमारा योग पूरा हो जाएगा और हम आर्म होल और आगे पीछे के हिस्से को डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए हमारा ये जो फर्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, चैन वन के स्पेस में आ जाती हूँ। तो देखिए हम ये चैन वन के स्पेस में आ गए। तो देखिए अगर आपको आपका चेस्ट जितना आपको चाहिए उतना हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और सीधा हम ये जो नेक्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बना देंगे। तो आपकी चेस्ट अगर परफेक्ट हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी चेस्ट कम है, तो देखिए क्या करेंगे, हमने यहाँ चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पे हम चैंस बना लेंगे, वन टू, टू बना सकते हैं, फोर बना सकते हैं, इवन नंबर बनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया और यहाँ पर हम नेक्स्ट चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इससे हमारी चेस्ट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए जो थर्ड वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये थर्ड वाले चैन वन के स्पेस में आ गए, यहाँ पे भी एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे चैन टू बनाई है तो टू चैन्स बनाइए, अगर आपने नहीं बनाई है एक भी चैन तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखिए मैंने टू चैन बनाई है तो दो चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हम फोर्थ वाला जो चैन वन का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ कॉर्नर पे आ जाती हूँ। तो देखिए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं और ये लास्ट में जो चैन वन और वन डबल क्रोशिया है इसके बीच में वन डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से योग बन गया। तो आपको इस तरीके से आप बनाएंगे तो कोई भी साइज़, कोई भी क्रोशिया, कोई भी यार्न ले सकते हैं, तो इसमें आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आपको कौन सा क्रोशिया लेना है, कौन सी यार्न लेनी है, क्योंकि सेम क्रोशिया भी कई बार हमारे पास नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं राउंड योग का जो राउंड योग बनाते हैं उसका भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूँगी। तो ये देखिए कितना परफेक्ट आया है। तो आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।